स्वागत है आप सभी चटोरों का मेरे नए वीडियो में। तो आज बनाएंगे गोल गप्पे। तो इसके लिए मैंने थोड़े से चने और आलू डालकर फटाफट बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ मैंने थोड़े से पुदीना और हरा धनिया ले लिया। आपको धोना जरूर है क्योंकि इसमें कई बार मिट्टी निकल जाती है, तो इसलिए अच्छे से धो के इसमें मिर्ची विर्ची डाल के और थोड़ा सा हींग जरूर डालें और पेस्ट बना लें ऐसा थिक सा। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया 3 से 4 जलजीरे के पैकेट और पानीपुरी मसाला, चंपक कंपनी का था ये। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हींग और ऐड किया है। फिर मैंने डाला थोड़ा नमक आप अपने स्वाद अनुसार, और वो जो पेस्ट हमने बनाया था ना ग्रीन, वो पेस्ट हमने डाल दिया इसमें। और पानी डाला, भाई यहाँ पर कलर कितना प्यारा आया ना, तो वही मैं कह रही हूँ। और अच्छे से इसको स्पैचुला से इसको मिलाना बहुत अच्छे से आपको, ताकि मसाला जो सारा मिल जाए। फिर यहाँ पर एक पूरा नींबू निचोड़ दिया अच्छे से, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया। फिर यहाँ डाली बूंदी और उसको लगा दिया फ्रिज में ठंडा होने के लिए। इधर मेरे आलू और चने उबल गए थे, मैंने फटाफट इनको भी डाला, और इसमें डाला थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ पर ऑयल डाल के फटाफट अपनी गोलगप्पों को तल लिया। फटाफट मेरे गोलगप्पे देखिए कितने मोटे मोटे फूल गए थे। उसके बाद मैंने जल्दी से एक भांजी को बना के खिलाया, उसने बोला वाह मासी क्या बनाया आपने। तो ऐसे ही आप बनाए और ये रेसिपी। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कर दो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।